अवार्ड शो की सबसे बड़ी शाम 62nd जियो फिल्मफेयर अवार्ड में आपका स्वागत है। क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार, क्या हो रहा है ये? इससे अच्छी ओपनिंग तो मेरी पिक्चर फैन को लगी थी यार। फिर से स्टार्ट करते हैं, रियली सॉरी अबाउट दिस। 4, 3, 2, 1, हिट इट। जो तेरी खातिर बैठी ऑडियंस ये हर कोई है दीवाना, ओ सिनेमा जो भी फिल्में इस साल हिट हुई हैं बस तुम्हें है बताना, ओ सिनेमा सुल्तान मरहबा, रुस्तम मरहबा, मैं तो जबरा फैन बनके दीवाना बना, उड़ता पंजाब मरहबा, एयरलिफ्ट मरहबा, पिंक फिल्म का सही निशाना लगा, हीरो ने रियल हीरो का खूब रोल निभाया, ओ सिनेमा वो है निर्जा मरहबा, एमएस धोनी मरहबा, दंगल की लड़कियों का बोलबाला हुआ, बॉलीवुड फिल्म फेयर ये रईस भी गाए बस यही गाना, ओ सिनेमा अरे कितना समझाया मैंने इन ऑर्गेनाइजर्स को यार, वांखड़े स्टेडियम में मेरी एंट्री बैन है, ये NSCI है, डिफरेंट स्टेडियम है, नीचे लाओ प्लीज, प्लीज नीचे लाओ मुझको यार, क्यों करना मुझे, पकड़े आ रही है। वेलकम टू द 62nd जियो फिल्मफेयर अवार्ड्स। पूरे 18 साल के बाद बेस्ट एक्टर कैटेगरी के अंदर सलमान, आमिर और शाहरुख को फिर से नॉमिनेट किया गया है, और हम तीनों को यार ये दूरी वूरी की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल, ना ये ऑनलाइन पोलों की जरूरत है, हमारे फैंस यहां पर हैं तो यही डिसाइड कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि जो भी जिस एक्टर के फैंस हैं ताली बजाएं, जो लाउडेस्ट ताली बजाएगा उसको बेस्ट एक्टर अवार्ड दे देंगे, मैं भी घर चला जाऊंगा, आप भी घर चले जाना। तो पहले शुरू करते हैं, सलमान के फैंस प्लीज ताली बजाएं सुल्तान के लिए। बेबी को बेस पसंद है। शाहरुख खान के फैंस ताली बजाएं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई है आपकी सीटों के नीचे मैंने नए 500 और 2000 के नोट चिटका रखे हैं, ताली बजाएंगे तो आप वो घर ले जा सकते हैं। फिर से ताली बजाइए। कौन कहता है अवार्ड्स खरीदे नहीं जा सकते। और प्लीज आमिर खान के फैंस फॉर दंगल ताली बजाएं। इस दरअसल झूठ है, अगर सच्चे आमिर खान के फैन होते तो अवार्ड फंक्शन पे आते ही नहीं तुम लोग। हैविंग सेड दैट, आई थिंक सम फिल्म्स केम आउट, बेफिक्रे, डिड यू वॉच बेफिक्रे? दैट वाज नाइस। माय फेवरेट डायरेक्टर हु मेड माय करियर, आदित्य चोपड़ा। मुझे बड़ा यार गुस्सा आया, मैं बड़ा जेलस हो गया वो पिक्चर देख के, नॉट बिकॉज उसने रणवीर को लिया उस पिक्चर के अंदर, बिकॉज मुझे बड़ी परेशानी थी, सेम टाइप पिक्चर थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप की, नहीं वहीं पे ऐसे फॉरेन सिटी में सेट थी जैसे पेरिस में, एंड हमारी भी स्विट्जरलैंड में सेट थी, और वही एक लड़की के साथ रोमांस था, लेकिन उसके स्क्रिप्ट सुनो, रणवीर सिंह लड़की को 30 बार पिक्चर के अंदर किस करता है, रियली जैसा डायरेक्टर उसको बोल रहा है, बेटा जैसे ही तू लड़की को देखेगा उसके मुंह को खा खा खा। मेरे को क्या दिया, तू कबूतर के सामने दाना डालना और बोलना आ आ आ। आलिया भट्ट परफॉर्म्ड वेरी वेल, लेट्स हियर इट फॉर द लिटिल आलिया भट्ट, शी इज डन अ ग्रेट जॉब दिस ईयर यार। 3 फिल्में की बहुत खूबसूरत, कपूर एंड सन्स, उसके बाद उड़ता पंजाब एंड टेर जिंदगी। कपूर एंड सन्स के अंदर वो उनका ब्रेकअप होता है, उड़ता पंजाब में वो ड्रग्स लेती हैं और फिर डियर जिंदगी में काउंसलिंग लेती हैं। साउंड्स लाइक द स्टोरी ऑफ एवरी बॉलीवुड स्टार।
But I'm not supposed to say bad things here tonight. I'm supposed to be good to everyone. So the good news is, we keep talking about कि दुनिया बहुत बदल चुकी है, बहुत progress कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, और actually ये progression इसलिए हुआ है, because the world is being digitized by none other than Jio. And Jio, yes, a big round of applause for Jio tonight. ये पहला association है Jio Digital Life का Filmfare के साथ, और ये ऐसा association है जैसे जय और वीरू का था, जैसे सचिन तेंदुलकर का उसके बल्ले से है, जैसा मेरे हाथों के साथ है, तो ये लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन है. थैंक यू वेरी मच जियो. एंड जियो जियो जी भर के. रिहर्सल भी तो फास्ट लेके गए थे. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के दोस्त कपिल शर्मा का. शाहरुख भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं. आपने पहले शो शुरू कर दिया, अब मेरे लिए रुक नहीं सकते थे आप? पता है मैं अपनी फिल्म की रिलीज किसी के लिए नहीं रोकता हूं, तो शो क्या रोकूंगा और तेरे लिए क्या रुकूंगा मैं. अच्छा एक बात बता, तू इतना लेट क्यों हो गया? जल्दी आना था तुझे. मैं कटिंग कराने गया था. सेंसर बोर्ड में कटिंग कराने गया था तू? कट अच्छे लगाते हैं. हाँ मैंने भी सुना है सेंसर बोर्ड में कटिंग अच्छी. भैया आपकी फिल्म कभी सेंसर बोर्ड में अटकी नहीं ना? नहीं यार, मेरी फिल्म के अंदर तो कपिल कोई किसिंग वगैरह होती नहीं है ना. आपकी जनरेशन का सही था, स्क्रीन पे कोई गलत काम करना ही नहीं. एक सेकंड, क्या जनरेशन क्या बोल रहा है? ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जनरेशन का आदमी हूँ. सैगल साथ के साथ काम किया मैंने. पता है मेरी दाढ़ी का एक भी बाल सफेद नहीं है. वो तो आप होने नहीं देते ना. वैसे तो अनिल कपूर साहब की देख लो, उनकी दाढ़ी में भी सफेद बाल नहीं है. हालांकि हर्षवर्धन की दाढ़ी में मैंने एक दो देखे हैं. क्या मुन्ना चकास, हम लोग अपने आप को मेंटेन करते हैं. शाहरुख भाई आपको पता है जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे क्रिकेट टीम में, तब मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन हुआ करते थे. उसके बाद सौरभ गांगुली बने, फिर सचिन सर बने, उसके बाद एम एस धोनी, अभी वो भी रिटायर हो गए हैं. एक्सक्यूज मी, तू कहना क्या चाह रहा है? मैं खाली चेक कर रहा था कि मेरी क्रिकेट की नॉलेज ठीक है ना. वैसे तू क्रिकेट की नॉलेज पे ध्यान मत दे, तू अपनी फिल्मों की नॉलेज पे ध्यान दे प्लीज. हाँ क्या ध्यान दे शाहरुख भाई, 25 साल से आप ही छाए हुए हो. महेश भट्ट साहब से लेके इन्होंने रोमांस शुरू किया, आलिया भट्ट तक आप ही करे जा रहे हो. हम कहाँ जाए, मर जाए हम. यार तू ये 25 साल कहेगे ना, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि तू मुझको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलवा के ही रहेगा. नहीं नहीं, जब तक लाइफ टाइम अचीवमेंट की बारी आएगी आपकी तो खुद की अवार्ड की दुकान होगी, आप देख लो. भाई मुझे भी बताओ ना, ये जो अवार्ड जीतने के लिए ये फिल्म में क्या करना पड़ता है? आई मीन जैसे आप फॉरेन लोकेशंस पे शूट करते हैं. नहीं 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 नहीं, फॉरेन लोकेशन में नहीं जाना. आजकल जो है ना, हमारी देश की मिट्टी ही सोना उगल रही है. मतलब मैं बताता हूँ तुझको, मैं ना फैन में गया फॉरेन जी, क्रोएशिया गया, रोमानिया गया, लंदन गया, भाग भाग के पागल हो गया हैं करता करता. यहाँ पे सलमान आबे ने लंगोट पहन के मिट्टी में लोड के 300-400 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. ये तो है. वैसे शाहरुख भाई ये फिल्म चलाना किसके हाथ में होता है? प्रोजेक्शनिस्ट के हाथ में होता है. अब ये टीवी वालों को मैं फिल्म की बात क्या सुनाऊं, टीवी से आए हुए लोग इनको क्या समझे फिल्मों की. अच्छा मतलब आपने तो शुरुआत बड़ा टाइटैनिक से की थी ना. आपने भी तो टीवी से की थी. मैं तो फिर भी सोनी टीवी से कर रहा हूँ, आपने तो सरकारी चैनल से की थी. ज्यादा सरकार सरकारी मत बोल, पिछली बार तुमने सरकारी बोला, 3 केस चल रहे हैं तेरे पे, आजा अवार्ड दे देते हैं. हां या लेट्स चेंज द टॉपिक लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज लेट्स मूव ऑन विद योर अवार्ड्स, गिव इट अप फॉर कपिल शर्मा. Okay, ladies and gentlemen, let's move on with the awards. Pehla award hai, the Jio Filmfare Award for Best Choreography. And to present this award, we would like to invite Pooja Hegde and Prateek Babbar. The Jio Filmfare Award for the Best Choreography. And the award goes to... Adul Sheikh, Kar Gai Chul, Kapoor and Sons. अगला जो अवार्ड है वो है द जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, गोज टू मितेश मिर्चंदानी फॉर निर्जा. कांग्रेचुलेशंस मितेश. वेल डन एंड थैंक यू प्रतीक एंड थैंक यू पूजा. आगे बढ़ने से पहले आई'd लाइक टू वेलकम अमिट्स अस
the biggest star this country has ever produced. My friend and everybody's favorite. Give it up for the one and only Salman Khan. Salman Khan! कैसे हो सलमान सब कुछ ठीक ठाक यार हाँ सब ठीक हाँ ऑल सेट ऑल गुड ऑल सेट मैं कल यार फोन कर रहा था तेरा फोन लगा नहीं यार अब तू घर के कॉन्वर्सेशन बाहर करेगा यहाँ पर करेगा हाँ घर की बातें अब तू अबे मत करना नहीं घर की बात नहीं कर रहा हूँ यार बाहर फोन किया था घर में थोड़ा मिलता हूँ तुझसे आके नेटवर्क खराब था तेरा नहीं क्या है कि पनवेल और फिल्म सिटी का नेटवर्क थोड़ा सा डाउन रहता है तो कनेक्ट नहीं हुआ होगा मेरा क्या है ना मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तो फिल्म फेयर की होस्टिंग भी कर रहा हूँ अपना साइड का बिजनेस भी कर रहा हूँ जियो वाला तू जियो पे आ जा इसका नेटवर्क जो है ना बहुत अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक नंबर है मेरा वो मैं चेंज करना नहीं चाह रहा इसलिए नहीं नहीं उसकी फिक्र मत फोन ले लेता हूँ मैं अगर तू बोले तो नहीं नहीं तेरा नंबर ही रहेगा तेरा नंबर जो है बहुत फेमस है नंबर वन है तेरा नंबर नंबर वन ही रहेगा लेकिन हमारे पास एक फैसिलिटी है एमएनपी हम जो है तेरा वही नंबर रख सकते हैं किसी भी सिटी से तू अगर 5 मिनट के अंदर दो बार अंगूठा तो तू लगा ही लेगा अंगूठा लगा देगा तो तेरा नंबर वही रहेगा नेटवर्क बदल जाएगा साइन करना आता है मेरे को नहीं नहीं तो अंगूठा काम थोड़ा करवाऊंगा तुझसे अरे जियो के साथ तो ऑलरेडी वो जुड़ा हुआ हूँ ना मैं थ्रू जियो टीवी दिखा दे मेरे को कैसे इस एक्ट के बाद तो सलमान हैज बिकम जियो लाइफ मेंबर नाउ टुनाइट और हम अब बढ़ते हैं अपने अगले अवार्ड की तरफ थैंक यू सलमान और हमारा नेक्स्ट अवार्ड है जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड वी'ड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज सोनू सूद एंड श्रीनिधि शेट्टी विनर ऑफ द ग्लोबल पैजेंट मिस सुपर नेशनल 2016 द बेस्ट एक्शन गोज टू Someone very special. I did my first film with Shyamji. The award goes to Mr. Shyam Kaushal. Congratulations, Shyamji. God bless you. Thank you for being here. Thank you, Sonu. Thank you, Srinidhi. Thank you. अगला जो अवार्ड है वो है द जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पे कबीर बेदी जी एंड कालकी गिव इट अप फॉर कालकी एंड कबीर एंड द विनर इज समीर उद्दीन कपूर एंड सन्स कांग्रेचुलेशंस Thank you very much, Kalki. Thank you, Kabir Saab. And thank you, Sameer. All the best. Ladies and gentlemen, before we move on, we would like to thank our sponsors for this esteemed show. The title sponsor is Jio. Jio is a world-class, data-strong network with latest 4G LTE technology. Jio has made India the highest quality, most affordable data and voice market in the world so that every Indian can do data green. Aur ab, hamare agle performance ki taraf badhte hain. हमारा अगला परफॉर्मेंस हमारी एवरग्रीन ब्यूटीज के जादू को फिर से जगाने की एक खूबसूरत कोशिश है बॉलीवुड की ब्यूटीज हमारे दिलों पे इतने सालों से चुल करते हुए आ रही हैं इसलिए ये जो परफॉर्मेंस कर रही हैं वो भी कोई और नहीं है बल्कि वो करने जा रही हैं जिसकी ब्यूटी ने सबको चुल किया हुआ है फुल ऑफ मौज मस्ती मजा प्लीज वेलकम आलिया भट्ट एवरीवन गिव इट अप फॉर आलिया भट्ट एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आलिया भट्ट की इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए हमारी हिंदी फिल्मों में गाने बहुत होते हैं एक किस करना हो तो हीरो हीरोइन को 20 लोकेशन पे डांस करवाते हैं और गाने के एंड पे मेन मुद्दे पे आते हैं हॉलीवुड वाले गाने में 4 मिनट वेस्ट करते ही नहीं है वो सीधा किस ही 4 मिनट की रख देते हैं हालांकि हमारे यहाँ पे भी होती है 4 मिनट की लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमें देखने को नहीं मिलती वो सिर्फ पहलाज निहलानी साहब को देखने को मिलती है कैंसर वाले हैं वही देख के खुद ही काट कूट देते हैं एंजॉय करके हमारे यहाँ हर मौके के लिए गाना बनता है आप देखो अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसके ऊपर भी गाना है तूने मेरा दूध पिया है
तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हालांकि ये बात गलत है, माँ बाप पे बच्चा जाता है जीन्स की वजह से, नहीं तो आप सोचो जो भैंस का दूध पीता है वो भैंस पे ना चला जाए। अभी नोटबंदी हुई थोड़े दिनों पहले, डीमोनेटाइजेशन, इस वर्ड से काफी लोग घबरा गए, बड़े लोग टेंशन में आ गए, लेकिन अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आपके पास है जियो मनी। तो जियो में एक्चुअली आजकल इतना ईजी हो गया है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा सकते हैं विदाउट एनी मनी इन योर पॉकेट। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ अब बिल रिसीव करना, पे करना सब ऑटोमेटिकली होता है। और अब तो जियो मनी से आप ट्रेवल भी कर सकते हो, सिर्फ मॉल्स में ही नहीं, अब तो कोने कोने में भी जियो यूज कर सकते हो। जो जियो के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर प्रणाम। बोनी सर, श्रीदेव जी, ऋषि सर प्रणाम जी। मेरे दोस्त बातें थी, वो मेरी मम्मी कह रही थी, ऐसे मेरा नहीं था सवाल। अभी थोड़े दिन पहले नोट बंद हुए थे मैडम 500,000 के, आपके लिए तो चवन्नियाँ ठन्नियाँ ही हुई, मतलब आप इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं। और अब मेरी मम्मी पूछ रही थी कि श्रीदेवी जी से पूछना जाके कि जैसे बहुत सारी लेडीज ने अपने हस्बैंड से पैसे छुपा के रखे थे चाय पत्ती वाले डिब्बे में इधर उधर, आपने मतलब रखे थे कुछ? जो भी रखे थे मैंने ले लिए थे। मेरी मम्मी एक और सवाल पूछ रही थी, तो वो कह रही थी कि बोनी जी पंजाबी हैं, श्रीदेवी जी साउथ इंडियन है, तो नाश्ते में पराठा मिलता कि इडली? इडली सांभर। इडली सांभर, तो फिर बोनी जी का पराठे वाला शेप क्यों? इनके सामने इडली सांभर खाता हूँ, फिर ऑफिस जाके पराठे भी खाता हूं। ये है असली पंजाबी वाली बात, मुझे पक्का यकीन था। ऋषि सर, आप लेजेंड हैं हमारी इंडस्ट्री में, आपने इतने रोमांटिक गाने उन पे परफॉर्म किया, अगर नीतू जी के लिए आज कोई गाना डेडिकेट करना हो तो आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे उनको? पहले डेडिकेट किस बात की करूं? वैसे ही सर, बीवी हैं आपकी, कर दो। मैं गाना गाता खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। क्या बात है सर, ये है बात, अगर इश्क या प्यार करना है तो खुल्लम खुल्ला करो। तो फिर आपने ये क्यों कहा था कि हम तुम कमरे में बंद हो चाबी खो जाए? भाई ये कहा था ना कि चाबी खो जाए। अच्छा, उस समय एक्चुअली बचपना भी था, 18-20 साल के थे आप। अब आदमी जैसे जैसे जिंदगी में सीखता जाता है उसको लगता है कि क्या है, फिर क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अभी फिलहाल तो वो गाना है कि क्या उम्र थी क्या समा था जी, एक हसीना थी एक जमाना था। नीतू जी, आप इस बात से सहमत है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। मैं प्यारा नहीं लग रहा आपको? सर आप तो क्यूट लगते हैं, आपके गाल खींचने को दिल करता है, पर मैं जाता नहीं डर के मारे आपके पास, क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला प्यार भी करते हैं, ट्विटर पे भी आप खुल के सामने आते हैं, डर लगता है आपको, पर वैसे बड़े प्यारे हैं ऋषि जी। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। कपिल, क्या हो गया यार, मुझे भूल गए, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मुझे बुलाओगे, बुलाया नहीं तुमने। आप वेट ही तो नहीं करते, आप एक शो खत्म होता दूसरे में जज बन जाते, दूसरा खत्म होता तीसरे में जज बन जाते, ऊपर से कॉफी की दुकान खोल के रखी है, ऊपर से टाइम मिलता तो एक आध फिल्म बना देते, फिर उस फिल्म के सहारे हर एक अवार्ड फंक्शन में घुस जाते सर। आई मीन व्हाट इज दिस, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ मुझे बहुत ज्यादा है आपसे। क्यों? आप बड़ी बड़ी फिल्में क्यों नहीं बनाते? हमारे देश की लड़कियां वो हॉलीवुड में जाके वो विन डीजल के साथ काम कर रही है, व्हाट इज दिस, आई डोंट लाइक दिस, मुझे बहुत तकलीफ है। तो तुम दीपिका को जाके बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? दीपिका से मैं बात कर सकता तो मैं शादी की बात ना करता सर। तो अभी आगे के अवार्ड बढ़ाएं? आई थिंक बिकॉज आप काफी कुछ बोल रहे हो, मुझे लगता है अवार्ड का सिलसिला है, आगे बढ़ना चाहिए, मैं जाऊं? बिल्कुल सर। Ladies and gentlemen, the next award is the Jio Filmfare R.D. Varmar Award. And to present this award, may I please invite on stage the exceptionally talented Alka Yagnik. The Jio Filmfare R.D. Varmar Award for the upcoming music talent for this year goes to Amit Mishra. I'd like to thank Preetinda, first of all. Thank you so much, Preetinda. And the team Preetam and Mr. Karan Jao for such a wonderful song, Bolea. Dada, this is for you. Thank you. And I would like to hum a few lines of that song.
राजन दे यार बुलाया सुन ले पुकार बुलाया तू ही तो यार बुलाया मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलाया परवरदिगार बुलाया हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा थैंक यू सो मच थैंक यू मैम थैंक यू आमिर रेखा जी आपने ही ताली मारी है बस हेलो एवरीवन जोर से बोलो यहाँ नरेंद्र चंचल का जगराता नहीं चल रहा है हेलो एवरीवन मैं हूँ धर्म सिंह नकली और जैसा कि आप देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं देख ही सकते हैं मैं बोल रहा हूँ ना बाबा बोलो बेटा मैं सनी सिंह नकली वैसे बाबा एक बात बताइए मुझे समझ में नहीं आया ये इतने सारे लोग हमें यहाँ पर देखने क्यों आए हैं ऐसा क्या है हम में बाबा हम में नहीं मुझ में है क्योंकि मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और मैं पहले शत्रु जी बन के आने वाला था पर मुझे पता चला कि शत्रु जी यहाँ आए हुए हैं तो मैं उनके हाथों से कोई वायलेंस नहीं देख सकता मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है आने वाला साल वो कैसे बाबा क्योंकि इस साल पता चलेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा बात बताइए बाबा आपको पता है ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा सच बताइए बाबा सच बताइए तो बताइए ना क्यों मारा एक्चुअली क्या था बाहुबली ने कटक्का के ऊपर हरा रंग डाला बाहुबली ने उसे मार डाला एक मिनट ये जो इधर है ये यहाँ बोतल रखी हुई है इसका ढक्कन कहाँ है बाबा ये क्या कह रहे हैं आप वो बोतल नहीं है वो ट्रॉफी है बाबा ट्रॉफी अच्छा फिर ऐसी टेडी क्यों खड़ी हुई है ये ड्रंकर्ड है क्या बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ये देखिए पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी यहाँ पर बैठी हुई है और आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं मैं इस फ्रेटर्निटी से ही सवाल पूछना चाहूंगा पूछिए ना बाबा कि फ्रेटर्निटी के स्पेलिंग क्या होते हैं जब काम चल रहा था इंडस्ट्री वर्ल्ड से तो फिर फ्रेटर्निटी बनाने की क्या जरूरत थी चलिए कोई बात नहीं मैं शेर पेश कर देता हूँ मुद्दा इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है वाह बाबा वाह कमाल की बात कही है मुद्दा इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है क्या होता क्या है बाबा कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे कमाल के शेर के बाद मैं भी एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कर कर मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया और तू उसे गड्डी छोड़ आया नहीं पापा अब मैं अपनी गड्डी वापस लेके आया हूँ I have become a responsible boy, Papa. मुझे सच बताऊं पापा मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ तो फिर बनता क्यों नहीं बनना ओ पापा आपकी मिमिक्री मुझे ठीक से आती नहीं है अच्छा इसलिए सच कह रहा हूँ मजाक नहीं उड़ा रहा बेटे एक बात बता जब ये मजाक उड़ता है तो उड़ के जाता कहाँ है वैसे सवाल अच्छा है पापा लेकिन एक और सवाल है पापा जो अंदर से मुझे खाए जा रहा है अगर खा गया होता तो पतला नहीं हो गया होता बोल क्या है सवाल पापा अगर आर बल्की है तो एस क्या है एस एस रजामौली है बेटे तू बता कि दंगल और सुल्तान में से तेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है पापा चार ऑप्शन तो दीजिए ए सुल्तान बी दंगल सी सुल्तान डी दंगल मैं फोन अ फ्रेंड करना चाहूंगा किसको फोन लगाएगा मैं भैया को तो फोन ब्रदर हो गया ना ये लगा ले मेरा अभी रिचार्ज कराया है ओके एक मिनट रुक जाइए पापा हेलो भैया आप मुझे बताइए कि मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है सुल्तान और दंगल में से चार ऑप्शन है ए सुल्तान बी दंगल सी सुल्तान डी दंगल
ओके भैया ने जवाब दे दिया पापा क्या कहते कहते 50-50 कर लो कंप्यूटर जी दो गलत जवाब बता दीजिए प्लीज किसको कह रहे हैं आप ये ओ यार हाँ कंप्यूटर तो है ही नहीं कोई ले गया कंप्यूटर पापा कंप्यूटर कभी था ही नहीं यहाँ पे अच्छा आप 50-50 कीजिए ना पापा ठीक है सुल्तान और दंगल में से बता दीजिए फेवरेट फिल्म कौन सी है ये क्या हो गया पापा ये तो हमने जहां से शुरू किया था हम वहीं आके खड़े हो गए बेटे इतनी दूर से हम थक के आए हैं तो थोड़ी मुझे भूख लगी है थोड़ा दूध है तो वगैरह कुछ दूध मांगोगे तो खीर देंगे दूध मांगोगे तो पनीर देंगे दूध मांगोगे तो श्रीकांत देंगे जो मांग रहा हूँ वो क्यों नहीं देता दूध मांग रहा हूँ दूध दे देना क्यों महंगी आइटमें दे रहा है इतनी सारी अरे बाबा मुझसे गलती हो गई अपने तो अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं हम मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और धर्म जी की फैमिली तो हम अपनी फैमिली समझते हैं धर्म जी सॉरी अगर गलती हो गई है तो अगले प्रोग्राम में शाहरुख खान मैं बनूंगा ठीक है नहीं नहीं बाबा शाहरुख खान मैं बनूंगा तो ठीक है मैं नागपुर में प्रोग्राम है मैं नाना पाटेकर बन जाता हूँ हमारे मिमिक्री का प्रोग्राम थैंक यू Before we move on, we would like to thank our sponsors. Title sponsor, Jio. Music partner, T-Series. Agla award hai, the Jio Filmfare Award for Best Playback Singer Female. Let's have a look at the nominees. Kanika Kapoor for Da Da Dasse from Urta Punjab. Rata de kaale kaale chehre, dar da da dasse. Jonita For So Aasman from Bar Bar Dekho. So Aasman ko aur do jaano ko chhod ke aayi tere paas. Kurat ul Ain Baluch for Kari Kari from Pink. Neha Bhasin for Jag Ghumya from Sultan. Jag Ghumya thare jaisa na koi. Palak Muchhal. For Kaun Tujhe from MS Dhoni, The Untold Story. And to do the honors, could I please invite on stage the gorgeous Diana Penty and Mr. Sanjay Godavar, chairperson of Sanjay Godavar Group. Best playback singer, female, Neha Bhasin, Jag Ghumya. Jag Ghumya. जग घूमया थार जैसा Thank you so much, Filmfare, for acknowledging my talent. I've waited 14 years for this. And I want to thank Alia Bhatt Zafar, the director of Sultan. Thank you, mom and dad. Thank you, my sister, Ashi. Thank you, guys. Thanks a lot. Congratulations, Neha. And well done. And now, the Jio Filmfare Award for Best Playback Singer Male. Let's have a look at the nominations. Amit Mishra for Bulia from Ae Dil Hai Mushkil. Arijit Singh for Ae Dil Hai Mushkil from Ae Dil Hai Mushkil. Arijit Singh for Channa Meria from Ae Dil Hai Mushkil. Atif Aslam for Tere Sang Yara from Rustam. Rahat Fateh Ali Khan for Jag Ghumya from Sultan. And to do the honors, could I please invite on stage debutant and the gorgeous Siami Kher and Dr. Srikant Bhasi, founder and chairman of Carnival Group. A venture spread across multiplex, media entertainment, hospitality and real estate. Playback singer male goes to the one and only
Arijit Singh for Ae Dil Hai Mushkil. Arijit is not with us tonight, but I request Pritam Da to please accept Arijit Singh's award on his behalf. Pritam, there was huge request for Arijit to sing something, and I know you composed this melody with all your heart. Please, agar aap kuch gayenge, to hamari izzat afzai aur bhi badh jayegi. You know, I think the best person to call to sing along with me is Amitabh, who actually is equally a part. Amitabh. तू सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल. Agla award hai, ladies and gentlemen, for the Geo Filmfare Award for Best Lyrics. Let's have a look at the nominees. Amitabh Bhattacharya for Channa Mereya from Ae Dil Hai Mushkil. Gulzar for Avere Hichki from Mirzia. Gulzar for Mirzia from Mirzia. Irshad Kamil for Jag Ghumia from Sultan. Kausar Munir for Love You Zindagi from Dear Zindagi. Late Shiv Kumar Batalvi for Ik Kudi from Urta Punjab. And to do the honors, could I please invite on stage the absolutely stunning Sonali Bindre Bell. I'm here to announce the best lyrics for 62nd Geo Filmfare Awards, and it is Amitabh Bhattacharya, Channa Mereya for Air. Thank you, Filmfare. Thank you for the honor. This is my first Filmfare after 6 nominations. This is really special. So thank you for making my dream come true. This trophy has always meant a lot to me. I thank Pritam Da, not just for Channa Mereya, but all the songs of Ae Dil Hai Mushkil. And I loved working on all of them. I'm so proud of the album. At last, I'm holding a Filmfare in my hand. Yay. And I'm getting it home for you guys. Thank you. Thank you. Thank you, Sonali. Thank you, Amitabh. Congratulations. Next up, ladies and gentlemen, is the Geo Filmfare Award for Best Music Album 2016. And the nominees are Amal Malik, Badshah, Arko Tanishq Baghchi, Benny Dial, and Nuklia for Kapoor and Sons. Amit Trivedi for Urta Punjab. Meet Brothers, Amal Malik, Ankit Tiwari, and Manj Music for Baghi. Pritam for Ae Dil Hai Mushkil. Shankar Ehsan Loy for Mirzia. Vishal and Shekhar for Sultan. And to do the honors, could I please invite on stage Bhushan Kumar and his gorgeous wife and filmmaker Divya Khosla Kumar. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen, is the force behind T-Series and is also a partner with us. So, the best music album for 62nd Geo Filmfare Awards 2017 goes to Ae Dil Hai Mushkil, Pritam.
best music of a Hindi film is all about the collaboration between a director, music director and lyricist. And so my first thanks goes to Karan Johar. Without him, this album wouldn't have been possible. And thank you, Karan, for all the love through the process. You kept us encouraged and you kept us inspired. Thank you very much. Congratulations, Pritam. Best Music 2016. Thank you, Bhushan. Thank you, Divya. Thank you very much. And now, the time has come. We move on to one of the most special, most important awards of the night. Yes, the Jio Filmfare Lifetime Achievement Award. This is Betaj Badshah. In his shaan, we can say this, that he didn't get this award from luck. And about him, I want to tell you about it, India's greatest director, the one and only, please give it up for Mr. Subhash Ghai. It is the toughest task given to me by Filmfare to speak about a person with whom I have been groomed. We have lived for the last 45 years together, and talking about a friend who happens to be a superstar, a great politician, great orator, and my great friend from FTI, Mr. Shahrukh Khan. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। In 60s, when he was struggling actor, with no penny in his pocket, but with the confidence of a king actor, he was jobless, no job, but he would talk to the top producer as if he is giving them the job. He would made think anyone for a moment that he is a born star. His story says, it does not matter if you belong to a small town or if you don't have money in your pocket, you can achieve all if you have one thing, that is confidence, and that is Shahrukh Khan. My congratulations to Filmfare for awarding him this prestigious award. And his name is Shahrukh Khan, King Sinha. To do the honors, I'd like to call upon stage his beautiful daughter, Sonakshi Sinha, and the one and only, his friend, Shri Amitabh. बहुत बहुत धन्यवाद आज ये फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे दिया गया पहली बारी सही देर से ही सही
लेकिन दुरुस्त दिया गया है। कई लोग समझते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जब मिल जाता है तो उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है। आज तक मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला उसका अफसोस नहीं है। मैं कह सकता हूं कि आज आप लोगों के सामने जय बिहार के एक छोटे से बालक को इतना बढ़ाकर आपने पेश किया और इतनी महान हस्तियों के सामने आपने प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया। मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं भाव विभोर हो गया हूँ। बोले एक दो चीज़ें न्यू कमर्स के लिए कहना चाहूँगा कि प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इन केस यू डोंट प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट, देन एटलीस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय बिहार, वो मेरी जन्मभूमि है। जय महाराष्ट्र, जो कर्म भूमि है। और जय हिंद। तेरे जैसा मैं, मेरे हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में से, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। रेखा जी प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं तो जी रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स जी। मैंने आपको फ़ोन किया था आपसे बात करने के लिए एक बार, पता नहीं आपने मतलब रिसीव भी नहीं किया। क्या? आप थी भी नहीं, आंसरिंग मशीन से बात हो। हाय दिस इज रेखा, यू कैन कॉल मी। नो दैट्स नॉट ट्रू, नंबर किसने दिया आपको? आपसे बात पूछनी थी। मैं इंग्लिश में बात कर रही हूं, आप इंग्लिश में जवाब दीजिए ना। व्हाई नॉट, यू नो आई कैन स्पीक इंग्लिश नॉन स्टॉप, यू कांट इवन इमेजिन फॉर हाउ मच टाइम टिल माय लास्ट ब्रेथ। यू मीन यू कैन टॉक इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश एंड यू कैन ब्रीद इंग्लिश? आई कैन स्पीक इंग्लिश टिल नेक्स्ट फिल्म फेयर। कुछ मेरे डायलॉग्स हैं जो मतलब मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे ही, रेखा जी विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, एक आपको डायलॉग दूंगा जी, अगर आप उसको बोल पाए शत्रु सर के स्टाइल में थोड़ा सा। मंगल का खून को लेमन सोडा ने जो थर से खोला और फर से पी गया। मैं माइक पकड़ता हूँ, मैम आपके लिए माइक पकड़ता हूँ मैं, क्योंकि माइक पकड़ के तो शत्रु सर बोल ही नहीं सकते ना, दोनों हाथ यूज कर रहे हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा ने की थर से फूटा और फर से फूटा। क्या बात है, जोरदार तालियां रेखा जी के लिए। और आपने तो मतलब सोडा और बड़ा कमाल का खोला, थर से कर दिया। तो लग रहा था कि सोडा 300 ml का नहीं 500 ml का है। इट्स सो स्वीट मैम, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं स्टार्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। वे शिल्पा, शिल्पा तो बहुत शरारती है, और आजकल तो शिल्पा ये रजाइयाँ तलाइयाँ साथ में क्यों लेके आई आप? अच्छा ड्रेस है आपकी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। एज यूल विर्स राज एट होम, ये तो राज इज कपिल, क्या बात है, इतना इतना सारा वेट। आप मुझे उस दिन मेरी बेइज्जती करके गई थी, आप मेरे मेरा बुक पढ़ रहे हो हर जगह प्रमोशन। आई लाइक दिस एटीट्यूड। सीख रही हूं मैं। अच्छा व्हाट इज राज डूइंग एट होम? स्लीपिंग। इतनी ब्यूटीफुल बीवी हो, ओ अकेला सो रहा आदमी। आई मीन मैं घर जा रही हूं। अरे मुझे बात बताइए, जो 2500 वाले जो बंद हुए हैं, आपकी जिंदगी पे कोई असर पड़ा उसके? मतलब अनिल जी से पूछते हैं। अनिल सर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया इधर की उधर की हो जाए, वो तो जवान के जवान ही है। क्यों अनिल सर, आप तो आप कभी लाइन में लगे हो अनिल सर सीरियसली? हाँ लगा हूँ मैं लाइन में। अनिल सर ये डायलॉग ना मुझे आपके स्टाइल में सुनना है। रेखा जी के बाद मैं नहीं कर सकता, ऑल ग्रेट एक्ट्रेसेस, उसके बाद मैं क्या है? क्या अच्छा दूसरों को सीनियर बोल बोल के ना आप ये बताना चाहते हैं कि मैं अभी भी यंग हूँ। क्या बात है अनिल सर, आई लव यू। अभी सोनम विद्या जी, ओह इधर तो वाह वाह वाह, बल्क में एक्ट्रेसेस बैठी हुई यहाँ पे। विद्या जी अपने फैंस के लिए हाय बोल दीजिए। हाय एवरीवन। सोनम की इंग्लिश इतनी अच्छी है। सोनम मैं आपको एक डायलॉग देता हूँ, आपको खाली उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं,
जिस राग से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। दिल्ली को आग कहते हैं, तो that is what is burnt is burning is fire, that is what? दिखाओ। चिल्ली को आग कहते हैं। हिंदी में लिखा है, मैंने हिंदी में लिखा ना मैंने। तो मैं हिंदी में को बहुत अच्छे से। फिर नीचे मैंने इंग्लिश में भी लिखा वो पढ़ लोगे। Let me translate this for Sona, मैंने कहा। लड़कियां देखी नहीं कि रोमांस किंग वहाँ पे सर मैं। Absolutely, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। फिर तुम बोलो। So what burns is the flame. What is left after the flame is ash. The flash which is converted into the gunpowder is known as Vishwanath. Doesn't sound as cool as Shatrughan Sinha, but that's what it is. So basically, but Shahrukh. Basically, I'm the bomb. She's the bomb. पर शाहरुख भाई ये शत्रु सर के स्टाइल में तो नहीं हो ना, अगर इंग्लिश में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ये शत्रु सर के स्टाइल में थोड़ा सा आवाज़ भारी करके और कहते चल ही कर रहा क्या थे चुपचाप से आ जा, अगला वाला हमारा आइटम है ना वो रेडी हो रहा है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट वी आर गेटिंग ऑन स्टेज इज नो लेस देन गन पाउडर एंड अ बॉम्ब हिमसेल्फ। फोटो ले रहे उन्होंने पूरा डांसिंग का नहीं एक्शन का स्टंट का और फाइट्स का पूरा निजाम ही पलट डाला है। इज अ न्यू ब्रीड ऑफ एक्टर, मेरे बहुत करीब हैं क्योंकि मेरे सबसे अजीज दोस्त के बेटे हैं तो मेरे बेटे जैसे हैं। एंड प्लीज टुनाइट द बिगेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज हैज टू बी केप्ट फॉर दिस यंग बॉय हु इज गोना कम परफॉर्म हियर। प्लीज वेलकम टाइगर श्रॉफ विद सुपर डांसर किड्स। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड, द जियो फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर in a supporting role, female, and the nominees are two alag alag drugs. Kareena Kapoor Khan for Urta Punjab. बनाने वाले cocktail बना भी रहे और बेचने वाले खुलेआम बेच भी रहे। कीर्ति कुल्हारी for Pink. क्योंकि आप proof करना चाहते हैं कि हमने पैसे लिए हैं। पैसे लिए हैं, पैसे लिए हैं। लिए हमने पैसे। रत्ना पाठक शाह for Kapoor and Sons. शर्म की क्या बात? कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। शशि से नहीं पैसे लेंगे इस बार। पैसे कहाँ से आएंगे फिर? मेरी एफडी तो। आज ऋचा चड्ढा फॉर सरबजीत, कितनी महान है दलवीर। शबाना आजमी फॉर नीरजा, देश का सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र मिला तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने मेरे को हिम्मत दी। एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड वी वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज द एवरग्रीन माय फ्रेंड द वन एंड ओनली Mr. Anil Kapoor and the beautiful, ravishing Raveena Tandon. Oh, thank you, Anil. Thank you, Raveena, for being here. My munna chakas. It's my privilege and an honor to announce the best actor in a supporting role. My friend Shabana Azmi. Whoa! Let's give it up for Shabana Azmi ji. Congratulations. Congratulations, Shabana ji. Thank you, Jio Filmfare. Thank you, team Nirja. I have thanked Atul, the director, the writers, the producers, everybody else. But this time, I want to thank my DOP, Mitesh Mirchantani, and the sound director, Subhash Sahu. This performance would not have been possible without the two of them. Thank you very much. Shabana ma'am, two seconds aap se chahte hain hum log. Shabana ji, assalam alaikum. Kaise hain aap? Namaskar Shabana. Thank you Anil, thank you Raveena. Javed sir, congratulations. Sir, two seconds aap agar manch pe aa jaye, agar waise aapka dil kare to aap, I mean, it's... Javed sahab ke liye ek bar zordar taaliyan ho jaye. जावेद साहब मतलब आई लाइक यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच सर। ये तो आमतौर से लोग ऐसे ही महसूस करते हैं सर। इनके लिए कोई गाना, आई मीन तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना सा। थोड़ा सा इधर आ जाए, सॉरी थोड़ा सा और करीब आ जाए सर, और पास और पास और पास सर, थोड़ा और। आपकी अपनी बीवी है, आई मीन
शाहरुख भाई आप तो रोमांस के देवता हैं, मतलब ऐसे हिंदुस्तान में कहा जाता है। जावेद साहब आपकी मोहब्बत है। देखिए, इससे पहले कि जावेद साहब कुछ कहें, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास आमतौर से लड़कियों का एक झुंड आता है और वो कहते हैं कि आप कितनी लकी हैं, आपके शौहर कितने रोमांटिक गाने लिखते हैं, तो आपके ऊपर उन्होंने कितनी शायरी की होगी ना। तो मैं उनसे कहती हूँ कि इनमें एक रोमांटिक हड्डी नहीं है, हैं जी, एक रोमांटिक हड्डी नहीं है जावेद अख्तर में। तो मैं जब ये शिकायत करती हूँ तो इनके पास एक जवाब है उसके लिए। भाई बहुत सीधा जवाब है, वो लोग जो सर्कस में ट्रेपीज में काम करते हैं वो घर में क्या उल्टे लटके रहते हैं? तो आज इतना ब्यूटीफुल कपल यहाँ पे मौजूद है। जावेद सर गुस्ताखी माफ, अगर हम शाहरुख सर के गाने पे, शाहरुख भाई आप किसी को भी रोमांस सिखा सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। रोमांस जैसे शबाना जी ने कहा कि जावेद साहब बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, तो मुझे लगता है आज आपको एज ए शागिर्द, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं आपके लिए, थोड़ा सा देखना चाहते हैं आप तो हम करवाएंगे, नहीं तो आपकी मर्जी है, और आपकी तालियां इस चीज का गवाह होनी चाहिए और जोरदार। So, can we have the song, please? चीज तो मैंने आज नहीं सीखी है जिंदगी में, शादी को जितने मर्जी साल हों, अगर आपकी बीवी के साथ कोई दूसरा रोमांस करे तो हस्बैंड फट से लेके निकल जाते हैं। शुक्रिया जावेद साहब, बहुत अच्छा लगा। सो अगला अवार्ड जो है द जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल मेल, एंड द नॉमिनीज आर फुल ब्रांडिंग फॉर उड़ता पंजाब, सारे गबरू तो सुइयां लगा के टाइट है, अब लेडीज को कुछ करना पड़ेगा ना। फवाद खान फॉर कपूर एंड सन्स, हेलो हेलो हेलो, ये किसी का दरवाजा बंद तो नॉक करते हैं ना। जिम सर फॉर नीरजा, पता नहीं तुम सिग्नल दी। रजत कपूर फॉर कपूर एंड सन्स, 7 लाख तुम्हारा एडवांस आने वाला था, उसका क्या हुआ? फंस गई पेमेंट, आएगा बट इट्स जस्ट टेकिंग टाइम। राजकुमार राव फॉर अलीगढ़ एंड द किंगडम हैविंग सेक्स विद रिक्शा पुलिस, अर्पित को दे दो, ही इज गुड विद सेक्स स्कैंडल्स। Rishi Kapoor for Kapoor and Sons. Give it up for Mr. Rishi Kapoor for Kapoor and Sons, Best Supporting Male 2016. I would like to say sorry. I'd like to say sorry to my director. Shaguna, are you anywhere there? शगुन बहुत तुझे तंग किया मैंने, लेकिन उसका परिणाम तो ये है यार। थैंक यू रजत, आई सी यू देयर। दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स नॉट जस्ट माइन, इट्स अ कलेक्टिव अवार्ड फॉर द फैमिली ऑफ कपूर एंड सन्स। थैंक यू ऋषि सर, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू रमेश जी। हमारे लिए ये सबसे जरूरी है, ये हम जब यहाँ पे आए हैं फिल्म फेयर का ये फंक्शन कर रहे हैं 2016 का, कि कैसे हम आप लोगों को एंटरटेनमेंट देते रहे नॉन स्टॉप, जब तक गाने शाने म्यूजिक व्यूजिक नहीं बचता ना, कभी भी कोई भी शो में ऐसा लगता है कि वो अधूरा सा रह गया है। बात जब एम फॉर म्यूजिक की हो रही हो तो फिर हम मीका पाजी को कैसे बुला सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं उनको बुलाता हूँ, वो थोड़ा सा लेट हो गए, मैं उन्हें जरा फ़ोन करता हूँ और पता करता हूँ मीका पाजी हैं कहाँ पर। लड़कियों के पास होगा और कहाँ, देखते हैं, पता करते फ़ोन करके 100% लगा के देख लो। हेलो हेलो मीका पाजी, सुन रहे हो तुसी मैनू? कहाँ पे पाजी, सत श्रीकाल, नमस्कार। सत श्रीकाल, नमस्कार, मैं कपिल के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ स्टेज पे, आप कहाँ पर हो मीका पाजी? भाई मैं सिग्नल पे हूँ भाई। तो एक सेकंड ये बटन दबाओ, ये वीडियो कॉल हो जाता है लाइफ फोन पे, एक सेकंड करना जियो में दबाओ ये।
कौन से सिग्नल पे खड़ा है मीका? अरे भाई मैं ये जो बूथ है ना ये सिग्नल पे है भाई, और सिग्नल बूथ है और यहाँ का नेटवर्क बहुत अच्छा है भाई। आप जियो के सिग्नल बूथ पर खड़े हुए हो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जियो का फ़ोन है उसकी वॉइस कॉल को आप एक बटन के साथ दबाकर वीडियो कॉल में तब्दील कर सकते हो कि मीका जैसे लोग अपनी जो हरकतें हमसे छुपा ना पाएं। आप मुझे देख रहे हो सारे? सब कुछ दिख रहा है मीका, सब कुछ दिख रहा है। चले आम शाहरुख भाई आपको बहुत मुबारक है, सलमान भाई की फिल्म सुपरहिट हो गई है सुल्तान, और दबंग भी सुपरहिट हो गई भाई, आपको बहुत मुबारक है। थैंक यू यार मीका यार। वेल गाइस जोरदार तालियां फॉर शाहरुख खान एंड वन एंड ओनली कपिल। ओ मीका बाजी जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। थैंक यू मीका बाजी। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा टू प्रेजेंट द नेक्स्ट अवार्ड हिलेरी क्लिंटन एंड डोनाल्ड ट्रंप। कैसे हम लोग बड़े हा? सिंपल तरीके से ऐसे 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 करके ऐसे, तुम भी आ सकते हो कोई भी आ सकता है, ऐसे बड़ा सिंपल है। वो क्या हुआ ना कि हमारे नाम पे हमें यहाँ पे एंटर करने नहीं दे रहे थे तो इसलिए हमने अपना नाम बदल लिया, और वैसे भी शाहरुख खान जी ने कहा है नाम में क्या रखा है। शाहरुख खान जी ने शेक्सपियर ने कहा है वो, उन्होंने जब कहा था तब मैं वहां पर मौजूद नहीं थी, जब शाहरुख खान जी ने कहा तब मैं वहां पर मौजूद थी। यू हैव अ प्रॉब्लम। अरे यार तुम यहाँ भी आ गए, तुम कपिल शर्मा हो के सूर्यवंशम दिल में दो तीन बार दिख ही जाते हो। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, ये हर जगह तंग करने आए थे, मैं सिक्योरिटी बुला के आता हूँ। जाइए जाइए जाइए, तुम लोगों को भी सिक्योरिटी में मारे मामा है। ये देखिए वरुण धवन, हाय हाय हाय। आप पीछे को आप वरुण धवन ने लेडी तो के हाथी ला रही है पीछे से, वरुण धवन को खाई कर रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वो देख वो दिना दिन दा चिक्की दिना दिन दा वो भी है। माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी आई सी आई सी आई सी आई सी आई, मतलब इतने क्यूट हीरोइन बैठी हुई है, मतलब ये हेलो श्रीदेवी जी, हेलो बोनी साहब, हेलो सिप्पी साहब, नमस्ते, हेलो आमिर खान जी है? आमिर खान कहाँ दिखाई देगा आपको, वो नहीं है यहाँ पे। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरा बचपन से सपना था एवरीबॉडी कि मेरे को एक फिल्म फेयर अवार्ड मिले। ये लगता है हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं फिल्मों में आ ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है। देखिए अगर आपको कोई अवार्ड तो नहीं मिलेगा, ठीक है वो आप भूल जाइए, और आप एक काम कीजिए ना, ये अवार्ड की दुकान होती है ना, वहाँ पर जाके एक ट्रॉफी खरीद लीजिए अपने लिए, रख दीजिए घर पे, कुछ नहीं होता है, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे को दुकानदार से शर्म आती है चीज मांगते हुए, मैं कैसे मांगूंगा? अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी, आप दुकान में जाइएगा खरीद लीजिएगा। ओके चलो मैं तुम्हारी दुकान पे फिल्म फेयर की ट्रॉफी खरीदने के लिए आ रहा हूँ। हाँ ठीक है चलिए। ओके ओके ला 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 ला। टिंग टोंग। हमारी दुकान में कोई घंटी नहीं है। ठक 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 ठक। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। भाई साहब नमस्ते। मैं इतना जुगाड़ करके यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं आपको भाई साहब दिखाई दे रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। मैडम नमस्ते। नमस्ते, क्या लेंगे आप बताइए? एक बेस्ट न्यू कमर। बहुत सारी ट्रॉफियाँ हैं हमारे पास, छोटी ट्रॉफी, बड़ी ट्रॉफी, ऑस्कर। ऑस्कर लेंगे आप? नहीं हमें ऑस्कर की जरूरत नहीं, हमारे पास फिल्म फेयर है। समझ आई? जकारा चेहरा वाली भाई बहुत सच्चे दरबार के। हाँ एक बेस्ट न्यू कमर की एक फिल्म फेयर ट्रॉफी की बोतल दे दीजिए मुझे। ट्रॉफी की बोतल दे दीजिए। ट्रॉफी की बोतल क्या होती है? आपको सामान भी खरीदना नहीं आता, आप फिर से जाइए, ठीक से आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। एक ट्रॉफी बोतल में डाल के दे दीजिए। क्या खरीद रहे हैं आप, अजीब से आदमी हैं आप इधर आइए, ये दुकान जो है आपकी है, ठीक है? मैं कस्टमर हूँ, मैं आती हूँ सामान खरीदती। एक मिनट, हमारी दुकान पे घंटी लगी हुई है। टिंग टोंग। ये नहीं, जी वाली लगी हुई है, वो बजाओ। बस घंटी चलाओगी तुम अंदर। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये बेस्ट डेब्यू की ट्रॉफी मिलेगी? बोतल लाइयो। कैसे पागल आदमी हैं आप,
आपके बस का कुछ नहीं है, कोई अवार्ड नहीं मिलना है आपको। निकलिए यहाँ से, बेकार की बातें कर रहे हैं। मैं इनको सुधार के आती हूँ अभी। चलिए यार, कैसे हैं आप? सलाम अलैकुम सबके सब। कपिल क्या चल रहा है यार? बस भाई हमारा ही शो चल रहा है। आई नो, उसके अलावा क्या चल रहा है? उसके अलावा आई एम प्रोड्यूसिंग ए मूवी आल्सो। देखिए, इस कुत्ते ने काटा है कि तू पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा है? मुझे आपके कुत्ते ने काटा। कैसी कैसी पिक्चर बनाएगा तू फिर? मैं भाई आगे चल के 8 फिल्में बनाना चाहता हूँ। कोई अच्छा सा एक्टर हो आपकी नजर में? नहीं, एक्टर वैक्टर की बात छोड़, तू 8 फिल्में बनाना। क्या होता है ना, 8 फिल्में सिर्फ पैसे लगते हैं, तू कुछ पैसा कमाएगा नहीं वहाँ से। भाई मैं 8 फिल्मों से भी पैसा कमा के दिखाऊंगा, ये मेरा आर्ट है, मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं यार, तू समझता नहीं है। मासेस जो है ना, सारी की सारी मसाला फिल्में देखती हैं। और तू मान ले मेरी बात, वरना कर ले मुकाबला। मुकाबला भी भाई, मैं क्या लंगोट पहन लूँ आपके सामने? इन लोग पैसा दे कर रहे हैं, तुझे लंगोट में कौन देखेगा? मैंने पहना फिर भी झेल लेंगे। ऐसा करते हैं, गा के मुकाबला कर लेना। गाता तो है तू थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत तो गा लेता हूँ। आ जा फिर। कलेक्शन मसाला फिल्मों का ना पूछो, कमाती है कैसे कैसे, 300-400 करोड़ कमाती है बस ऐसे ऐसे। एप्रिसिएशन आर्ट फिल्मों का ना पूछो, कैसे कैसे, शाम की कॉफी भी अवार्ड की ट्रॉफी में पीता है ऐसे वैसे। आठ फिल्म पे पछताएगा, छोटा बोतल है धीरे धीरे जोश निकल जाएगा, छोटा बोतल है धीरे धीरे जोश निकल जाएगा। मसाला फिल्मों पे फुदकने वाले कल पछताएगा, मसाला फिल्मों पे फुदकने वाले कल पछताएगा। पांचों का नोट है धीरे धीरे नाले में बह जाएगा, कैमरा एक्शन का ट्रिपल कॉम्बिनेशन है, वहाँ बोरियत है, हर चीज स्लो मोशन है। तेरे यहाँ नाम के ही सारे सुपरस्टार्स हैं, मेरा रिव्यू देख यहाँ पर 5-5 stars है। सीटियाँ हैं, तालियाँ हैं, हीरोइज्म का तड़का है, वहाँ तेरा प्रोड्यूसर तो हिट होके भी कड़का है। हर 8 फिल्मों के हीरो तो ज्यादातर बुढ़े हैं, ज्यादातर बुढ़े हैं। मसाला फिल्मों के हीरो तो पहले से ही बुढ़े हैं, पहले से ही बुढ़े हैं। Welcome back to 62nd Geo Filmfare Awards, co-powered by Vivo Camera and Music and Reliance Digital. Ladies and gentlemen, the next is the Geo Filmfare Award for Best Debut Actor, Female. And to do the honors, could I please invite on stage the hero himself, Suraj Pancholi, and the beautiful Kriti Sanon.
The best debut female for 62nd Geo Filmfare Awards 2017 goes to Ritika Singh, Sala Khadus. Thank you so much. For all those who don't know me, I'm a kickboxer and I fight for India and I've represented India at the World Championships. I've never acted before and I never wanted to. And then suddenly Sala Kharoos happened and I still can't believe I've won this. My dad, my coach, my guru, thank you so much for training me every day. I love you too. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ritika. Thank you, Ritika's dad. We love you. Well done. Thank you, Kriti. Thank you, Suraj. Before we move on, we would like to thank our title sponsors, Jio, music partner, T-Series. All right, moving on. Agla award hai, the Jio Filmfare Award for Best Debut Actor Male. And to present this award, we'd like to call on stage Mr. and Mrs. Nilesh Singh, Managing Directors, Shiftara Properties. The winner for the Best Debut Male for 62 Jio Filmfare Award 2017 goes to Diljit Dosanjh. Go for it! Uttar Punjab! Diljit Dosanjh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Abhishek Sir, Abhishek Chaube, jinhane mainu is like samjha. Thank you so much, Phantom Team, Vikas Sir, Vikram Sir, thank you so much, Balaji, Phantom Films, meri sari team, and I love my fans. Thank you so much. I love Punjab. Thank you so much, guys. Diljit, aise nahi jaane denge itni aasani se. Ek kudi, wo thoda ho jaye to fir baat ban jayegi. ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁੰਮ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੈਟਸ ਗਿਵ ਇਟ ਅਪ ਫॉर ਦਿਲਜੀਤ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਅਵਾਰਡ ਇਜ਼ ਦ ਜੀਓ ਫਿਲਮ ਫਰ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਬੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਟੂ ਡੂ ਦੀ ਆਨਰਸ ਕੁਡ ਆਈ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਵਾਈਟ ਔਨ ਸਟੇਜ ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਜ ਗੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਮਡੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕ੍ਰੀਡਾ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ and Mrs. Manju Gaur, director Gaur Sons Group. Best debut director. Ashwini Ayyar Tiwari, Sannata. Let's give it up for Ashwini Ayyar Tiwari, Neil Patel Sannata. Best debutant, best debut director 2016. Oh God, this was really unexpected. So, I have all my girls sitting there and my most favorite people sitting there. So thank you so much, Filmfare. Thank you, Nitesh. Thank you for telling me that when I told him, what if I fail? He said, what darling, if you fly. So thank you for that. Thank you for taking care of our children when I was away shooting. I just hope I'm an inspiration to my children. And when they look back, they tell me, Mom, you did well. Let's hear it for Ashwini, ladies and gentlemen. And Neil Patel Sannata. मुझे feeling आ रही है कि मैं कपिल को miss कर रहा हूँ, तो मैं कपिल शर्मा को फिर से stage पे आमंत्रित करूँगा. कपिल. कपिल शर्मा. यार stage पे आना जल्दी से. Oh, so finally you're missing me, my assistant. Yeah. एक बार जोरदार तालियाँ शाहरुख भाई और करण सर के लिए. जो तुम्हारे assistant में thank you. हाँ मैं. Thank you कपिल. ये इज्जत अफजाई जो आपने हमें दी है. Thank you. तो हम आपका स्वागत करते हैं इस नए सेक्शन में जिसका नाम है बॉलीवुड पे चर्चा, जहां हम दर्शाएंगे कि पिछले कुछ दशकों में बॉलीवुड कितना बदला है, चाहे वो एक्टर का स्टाइल हो, चाहे मूवीज में आइटम नंबर हो या मार्केटिंग बजट. और इसको पेश करने के लिए ऑफ कोर्स मेरे साथ होंगे मिस्टर शाहरुख खान एंड मिस्टर करण जौहर. थैंक यू कपिल यार, बहुत बहुत शुक्रिया. तो चलिए मैं सिचुएशन देता हूँ. फॉरेन मीडिया शाहरुख खान को देखते क्या कहती है? Yeah.
Hey, Shah Rukh, how are you doing, man? What are you wearing? I'm cool. I'm just doing well. Thank you. देसी मीडिया शाहरुख खान को देख के क्या कहती है? ए शाहरुख, ए शाहरुख, शाहरुख एक फोटो ना, एक शाहरुख की फोटो ना जल्दी अबे 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 एक मिनट, वंखड़े, अबे आमिर का बॉक्स ऑफिस में, ए सलमान खान का बॉक्स ऑफिस में, अबे देखना श्रीश कुंडर, अबे बच्चे की फोटो देना, राम की फोटो देना, फोटो देना, मैं शाहरुख शाहरुख, ए चल हट। टाइगर श्रॉफ, हमारे टाइगर श्रॉफ अपने फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? Hi everybody, that's my dad, that's my aunt Panther, that's my dad Jackie, that's my great aunt Leopard. Leopard से याद आया कि Tiger Shroff अपने घर के pets को कैसे introduce करते? Hi, ये है मेरी बिल्ली रमेश, ये है मेरी fish कमला, और ये है मेरा parrot तोताराम. अच्छा, कपिल शर्मा हर हफ्ते शाहरुख खान को फोन लगाते हुए हेलो शाहरुख कहते हैं, कैसे कहते हैं? हेलो शाहरुख भाई, कपिल, कपिल दिस साइड. कौन कपिल यार? भाई कपिल शर्मा जैसा शो आता ना, द कपिल शर्मा शो. कौन कपिल शर्मा यार? सोनी टीवी पे 9 से 10:30 कॉमेडी कर. कौन सोनी टीवी, कौन कॉमेडी, कौन कॉमेडियन यार? आप जिस नंबर को कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल व्यस्त है. अच्छा, और शाहरुख खान अपने पिक्चर के रिलीज के एक हफ्ते पहले. हेलो कपिल बाजी, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ. मैंने फोन उठाया नहीं अभी. कौन शाहरुख? अरे शाहरुख वही यार, द एक्टर. कौन एक्टर? अरे यार जिसकी मूवी आ रही है ना नेक्स्ट वीक. हर हफ्ते बहुत लोगों की आती है, काफी लोग आते हैं. कौन सी मूवी? अरे यार वही वाला ना यार, मैं यार शाहरुख यार. तुसी जिस नंबर से फोन कर रहे हो वो हले बंद है, मालिक मर गया, सारी उम्र फोन नहीं करना. अच्छा, और फाइनली हॉलीवुड के अवार्ड शोज. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हॉलीवुड में अवार्ड शोज ऐसे होते हैं. इट्स टाइम टू प्रेजेंट द बेस्ट एक्टर अवार्ड एंड द ऑस्कर गोज टू वंडरफुल. और बॉलीवुड में अवार्ड. And now it's time to present the Chanikman Garam Masala 502 Pataka Bidi and Mangesh Jewelers in association with Mangesh Plumbers and co-presented by Tex Banyan, Best Actor in Comedy and Relation Musical, Popular Choice Award. Thank you very much, Kapil. Let's thank you, Kapil. Thank you, Karan sir. Thank you, Sharma bhai. So, ladies and gentlemen, next award is the Jio Filmfare Award for the best costume. And to present this award, we would like to invite Mr. Manish Malhotra and Ms. Priyadarshini Chatterjee, FBB, Femina Miss India World 2016. Jio Filmfare Award for the best costume goes to Payal Saluja for Urta Punjab. Congratulations, Payal. अगला जो अवार्ड है द जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड डिजाइन एंड द विनर इज विवेक सचिद आनंद फॉर फोबिया. Congratulations, विवेक. थैंक यू मनीष, थैंक यू प्रियदर्शनी. And the next award, the Jio Filmfare Award for Best Production Design. And to present this award, we would like to invite Mr. Rajat Kapoor and the beautiful, gorgeous Neha Dupia. And the Best Production Design for 62nd Jio Filmfare Awards 2017 goes to Anna Epe and Aparna Sue for Nija. Congratulations. और अब हमारा अगला परफॉर्मेंस, जनवरी का जलवा, फेब की फुर्ती, मार्च की मस्ती, अप्रैल की अदा, मई का मजा, जून का जादू, जुलाई का जोश, मतलब पूरे साल का पैकेज लेके आ रही हैं ये. और बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और बड़ी बात है कि अच्छा लगता है जब मैं अपनी बहन को इतना आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं. प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड सोनाक्षी सिन्हा.
आगे बढ़ने से पहले वी वुड लाइक टू थैंक यू वी वुड लाइक टू थैंक यू नहीं होता वैसे थैंक होता है मैं जानबूझ के चेक कर रहा था आपकी इंग्लिश ठीक है कि नहीं ओके तो आगे बढ़ने से पहले वी वुड लाइक टू थैंक्स अवर टाइटल स्पॉन्सर्स जियो इंडिया का बेस्ट नेटवर्क जो अपने हाईएस्ट डेटा स्पीड के लिए जाना जाता है अब बारी है द जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एडिटिंग एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड वी वुड लाइक टू इन्वाइट ऑन स्टेज तनिषा मुखर्जी एंड मिस्टर सौरभ रंजन मीडिया डायरेक्टर MSDE न्यू दिल्ली ऑन बिहाफ ऑफ स्किल इंडिया द स्किल पार्टनर फॉर फिल्म फेयर अवार्ड 2017 एंड द अवार्ड गोज टू अतुल आई थिंक यू आर विनिंग ऑल 11 Munisha R. Baldawa. Congratulations, Munisha. Thank you, Tanisha. Thank you, sir. Next up is the Geo Filmfare Award for the best VFX. And to present this award, we would like to invite on stage Mr. Rohit Khandelwal, Mr. World 2016, and Bhumi Pednekar. And the best VFX for 62nd Geo Filmfare Award 2017 goes to Rachelis VFX for fan. Congratulations. अरे कहा देखिए कहा चली जा रही है रुकिए 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 पहले वो जरा वो हवा में पप्पी को वेस्ट करते ना वो तो कर ले ये देखिए अरे बड़े बड़े लोग क्यों करते हैं पता नहीं हमें कभी समझ में नहीं आया ओके लेडीज टच में रहिएगा लाइव बना दूंगा लाइव कैसे कपिल लाइव बना जाके खाना बनाओ ये रसोइयों को किसने आने दिया अंदर Triple excuse me. आप शायद हमें पहचाने नहीं है नहीं अरे विन डीजल का नाम सुने हैं आप हाँ सुने वो हमारे चचेरे भैया हैं हमें विन पेट्रोल विन पेट्रोल फ्रॉम बिहार 100% करने के लिए प्यार आर यू रेडी Anybody interested? नहीं जब आपकी फैमिली में ऑलरेडी डीजल है पेट्रोल है तो यहाँ पे क्या सरसों का तेल लेने आए आप ट्रिपल एक्सक्यूज मे हम यहाँ पर दीपिका की डेट्स लेने आए डेट्स छोड़ो आप जाके कहीं दवाई लो किसी से सलाह लो हो सकता है ठीक हो जाओ आप चलो तक से आपसे ज्यादा बात करने में हमको इंटरेस्ट आए नहीं इस माध्यम के थ्रू दीपिका हम आपसे कहना चाहेंगे कि माफी चाहते हैं आपकी फिल्म ट्रिपल एक्स में हम आपके साथ काम नहीं कर पाए लेकिन हमारा ऑफर सुनिए हमारी खुद की फिल्म आ रही है फिल्म का नाम है ट्रिपल XL क्योंकि क्या है कि XL और डबल XL हमें फिट नहीं आता देखिए दीपिका बहुत बिजी है आप एक काम करें आप बाहर जाएं किसी और बहन जी को ले जाएं अपने साथ उसके पास टाइम नहीं है चलिए जाइए बहन जी के लिए हमारा छोटा भाई है ना CNG विन CNG जी हाँ वो भी हमारा ही भाई है और आपको क्या बताएं देखिए विन डीजल के साथ हम काम तो कर सकते हैं लेकिन क्या है कि विन डी जलता बहुत है हमसे सुना आपने विन डी जलता विन डी जल देखिए कॉमेडी तो ऐसा निकलता जा रहा है हम में से एक और कॉमेडी बात बताएं क्या एक बार विन भैया को लूज मोशन हो गए विन लूज विन लूज विन लूज लूज विन ऑपोजिट सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्लीज इनको बाहर लेके जाइए ए सिक्योरिटी क्या लूज मोशन को रोक देंगे क्या देखिए डंडा जो है वो सिर्फ इंसान को रोक सकता है नेचुरल कैलेमिटी को नहीं और वैसे भी आपका ये सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकता हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता क्योंकि हमारे सर पे बाल है ही नहीं
देखिए आप एक बात बताइए, आप यहाँ से जाने का लेंगे क्या? आप हम डोनाल्ड ट्रंप की पप्पी लेंगे, आप दिलवाएंगे? देखिए हमारा ये जो जोवियल नेचर है ना, उसकी वजह से काफी ऐसा हॉलीवुड में भी हमारे दोस्त बन गए हैं। आपको शायद पता नहीं है, रिचर्ड गेयर को गाड़ी का गेयर बदलना किसने सिखाया? किसने? हमने सिखाया। अरे अपना वो टॉम क्रूज, उसको क्रूज पे पहली बार कौन लेकर गया? हम लेकर गए। ब्रैड पिट को ब्रेड के ऊपर बटर लगाना किसने सिखाया? हमने सिखाया। आपको शायद पता नहीं, जूलिया रॉबर्ट के साथ हमारी पिक्चर आने वाली है। तो मतलब आप इंग्लिश सीख रहे हैं अभी? नहीं नहीं, हम उनको भोजपुरी सिखा रहे हैं। फिल्म का इतना शौक है, आप पहले अपने आप को फिट तो करें आप। अच्छा, ये अच्छा बात है, ये कमाल का बात किया आप। आमिर खान अपना वजन बढ़ाए तो परफेक्शनिस्ट, और हम अपना वजन बढ़ाए तो फैटिनिस्ट है? ये क्या बात हुई? ये बात कुछ हुई नहीं, लेकिन आपने तड़ी बात की तो हमने भी कर दी। लेकिन देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपना वजन ना एक फिल्म के लिए बढ़ा रहे हैं। हमारी आलिया के साथ फिल्म आ रही है। अच्छा, कौन सी? बियर जिंदगी, खाओ पियो ऐश करो, बियर जिंदगी। पर सलमान खान साहब की भी अभी फिल्म आई थी, वो अपना वो मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया थोड़ी ना आई थी, सुल्तान आई थी उनकी। हाँ तो उसमें भी उन्होंने प्यार ही किया ना, किया कि नहीं किया? क्या अनुष्का को उठा के पटक दिए थे क्या? नहीं ना। और वैसे भी अनुष्का को उठा के पटकेंगे कैसे, कोई नहीं पटक सकता उसे, क्योंकि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। देखिए फिर से कॉमेडी डाल दिए, कैसे लगातार कॉमेडी पे कॉमेडी डाल रहे हैं। नहीं ये तो है, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं ये, कॉमेडी के चक्कर में जेल भी जा चुके हैं। आप जरा अपना ट्वीट से ट्वीट रखिए, समझ रहे हैं आप? और हमको ऐसा वैसा मत समझिए, हमने चूड़िया नहीं पहन रखी है। आज नहीं पहनी, शनिवार तो पहनते ही 9 से 10। देखिए आप जो है ना, हमको ये वीकेंड पे मिली अपने शो में, वहां पर आपको देख लेंगे। यहाँ पर क्या है कि फैमिलियर फील्ड नहीं है ना, जरा अलग जगह है, आप चढ़े जा रहे हैं, आपको देख लेंगे हम। आइए आप। ठीक है, हम देख लेंगे आपको। आप जाएंगे, आपका पेट के लिए कोई आदमी मंगवाऊं? अभी तो निकल रहे हैं। आई विल सी यू लेटर। ओके ओके, विन पेट्रोल। जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक्स, इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द वन एंड ओनली द मार्वलस मिस्टर आनंद राय। अब ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए अच्छे एक्टर के साथ अच्छा इंसान होना भी बहुत जरूरी था। सोनम कपूर फॉर नीरजा। सोनम सोनम सोनम। Ladies and gentlemen, best pool for Nija. Thank you, Anand Saab, and congratulations, Sonam. Oh my God. Oh my God, I did not ever expect any critic to give me, or any jury to give me any award. So this is fantastic. Well, this is for Nija Bhanot. The Bhanot family, Anish and Akhil, thank you so much. And also Rama Aunty. Thank you so much for believing in me and for Rama Aunty saying ki ye to meri lado hai when she saw me for the first time. And this is for my dad. Thank you, Sonam. You deserve this and you deserve much more. Thank you so much. Congratulations. Let's hear it for Sonam Kapoor, ladies and gentlemen. So the next, without wasting any more time, I'll move on to is the Jio Filmfare Award for Best Actor Male Critics category. And it's a tie. Shahid Kapoor for Urta Punjab and Manoj Bajpayee for Aligarh. Let's give it up for Manoj Bajpayee and Shahid Kapoor. Ladies and gentlemen, big round of applause for Shahid Kapoor and Manoj Bajpayee. Best Actor Award sharing. Critic 2017 Filmfare. Aligarh has taken such a long journey. Such a small film.
and it has gone everywhere possible in this world. Unbelievable that a struggle of a lonely old man could touch so many hearts. Each and every actor in the film, each and every technician, this goes to you. Thank you very much. Thank you. Wow, first of all, it's really a privilege to be sharing this award with somebody who I've learned so much from. Manoj Bajpai, sir, you are really an institution in yourself. Coming to Urta Punjab, I have Alia sitting right here in front of me. Someone who added so much to the film, without whom Urta Punjab would be incomplete, literally because nobody else was doing the role. So we got her to do it, and that was amazing. And thank you, Meera, for being here. I guess you're lucky for me because I got my own black lady tonight. So thank you, ladies and gentlemen, and here's to better movies. Big round of applause for Shahid and Manoj once again. Best Actor Critics Award 2017, Urta Punjab and Aligarh. और अब नेक्स्ट जो अगला अवार्ड है जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का है और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहां पर बुलाना चाहूंगा पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द मैन इन व्हाइट अब्बास मस्तान क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म राम माधवानी निर्जा राम माधवानी निर्जा Best Film Critics Award 2017, the Geo Filmfare Award. I've been trying to make a movie for about 14 years. And from the first film that I made, it took me 14 years to get to the second one. It's a struggle, and we're all strugglers. But believe me, for all you people out there, keep climbing, because if you keep climbing, one day you'll be here. And of course, we yet have to climb to get to that popular award. We're yet at Critics Award, so we're also keeping on climbing. Thank you very much, Ram, and the whole team of Neja. Congratulations. Thank you, Abbas Bhai. Thank you, Mastan Bhai. Welcome back to 62nd Jio Filmfare Awards, co-powered by Vivo Camera and Music and Reliance Digital. And ladies and gentlemen, our next award is Jio Filmfare Award for Best Original Story. And to present this award, we would like to invite Swara Bhaskar and Kajol Agarwal. The Best Original Story goes to Shakun Batra and Aisha Devithray. Oh! I want to thank Rishi sir. Rishi sir, I only have to say I love you. And this is for the entire cast and crew. Thank you. Thank you, Shakun, and thank you, Aisha. God bless you. So, agla award hai, the Jio Filmfare Award for Best Screenplay. Goes to Shakun Comeback. Shakun Batra and Aisha. आपको पता था अगला भी मिलने वाला तो इधर ही रुक जाते Once again, Aisha and Shakun, God bless you. Congratulations. और अगला अवार्ड जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायलॉग एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड वी वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज रिया चक्रवर्ती एंड साकिब सलीम एंड द बेस्ट डायलॉग गोज टू Ritesh Shah for Pink. Oh, Congratulations. Riya, I would like to say something. I mean, Mithunda ke baad, Mithun Chakravarti ke baad, agar mujhe Chakravarti pasand aaya. I've heard that a lot. I wish I was related to him, but I'm not. So sweet. Aapko shoulder se thand nahi lagti? Thank you. Good night, guys. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please welcome Karan Johar. Aap aage badhte hain to our next performance. Ye wo star hai
जो आपको मजबूर कर देगा टू राइज अप ऑन योर फीट. ऐसा स्टूडेंट हो तो प्रिंसिपल की क्या जरूरत है यार. प्लीज वेलकम द हार्ट बीट ऑफ द यूथ, द वन एंड ओनली वरुण धवन. Whoa! Give it up for Varun Dhawan, ladies and gentlemen. What a performance. Fantastic, Varun. Fantastic. The Varun Dhawan, ladies and gentlemen. Varun Dhawan. Thank you, Karan sir. Thank you so much. You appreciated my performance. I'm very, very happy. Yaar, lekin kya hai na? Ke sab kuch acha hai. Sab kuch fantastic hai. Body shoddy hai. Kya performer ho, actor ho. बाकी क्या तरक्की पाई है तुमने? बाकी क्या तरक्की मतलब क्या? अरे करण सर मैं अब स्टूडेंट नहीं रहा, बट यू नो आजकल लोग कहते हैं मुझसे कि मैं एटीएम से भी ज्यादा फेमस हूँ. एटीएम? हाँ. क्या मतलब? एटीएम मतलब अंबानी, ट्रंप और मोदी, मतलब ऐसे मेरे फैंस कहते हैं. लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई तुम्हारे लिए तरस आता है. तरस क्यों? बस क्योंकि सब कुछ है तुम्हारे पास जैसे कि तुमने कहा, फिर भी तरस आता है ना. क्या क्या है तुम्हारे पास? अरे करण सर मेरे पास PUC है, LIC है, MTNL है, LG है, मेरे पास 3G है, मेरे पास 4G है, मेरे पास तो सब कुछ है. लेकिन डी नहीं है. डी? करण सर मेरे पास तो दो डी है, डेविड और धवन. अरे नहीं यार, वो बाप वाला डी नहीं, वो जो दिल वाले ले जाते हैं ना, वो वाली डी नहीं है. कौन सी? अरे दुल्हनिया वाली डी यार. अरे करण सर आपको तो बहुत गलत फहमी हुई है. क्यों? क्योंकि मेरे पास दिलवाले की दुल्हनिया नहीं है. तो मेरे पास बद्री की दुल्हनिया है. बद्री की देखोगे क्या आप लोग? बद्री की दुल्हनिया. अच्छा दिखाओ. ओके रेडी बजाओ. अच्छा आप नहीं कुछ नहीं ऐसे टाइम पास कर रहे थे. अच्छा आगे बढ़े कपिल. जी प्लीज. ऑलराइट हमारा अगला अवार्ड है द जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर अ बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल. लेट्स हैव अ लुक एट द नॉमिनीज. कुरान शरीफ में लिखा है ऐश्वर्या राय बच्चन फॉर सरबजीत. बेगुना को मौत देना, पूरी इंसानियत को मौत देना है. Alia Bhatt for Dear Zindagi. Alia Bhatt for Urta Punjab. Salah chhota time khojte to yeh hal ho gaya. Anushka Sharma for Ae Dil Hai Mushkil. Kabhi nahi chahte ki hum dono ke beech jo sukoon hai chala jaye. Sonam Kapoor for Neerja. Vidya Balan for Kahani 2. And to present this award, we would like to invite on stage Mr. Boni Kapoor and Sridevi ji. The best actor in a leading role female goes to Alia Bhatt for Udta Punjab. Jidana Mohabbat Thank you, Filmfare. I mean, I just have to say this actually out loud. No matter what we say about awards and, you know, who wins, who doesn't, at the end of the day, it's a Filmfare. It does mean a lot. I feel like crying, but I feel very happy. I feel grateful to be a part of movies. So,
See, this is the part where I'll cry. When a young girl of maybe 3, 4, 5 doesn't know anything about the world, but just knows movies, just knows visuals, just knows what's happening inside that television box, she dreams, and she dreams to become an actor someday, a movie star someday, a fashionista someday, and somebody made that possible. So thank you, Karan, because you'll never know what you've given me. Like, I know you will, but you won't know, because what I'm feeling right now is probably what I feel like I should be feeling all my life. So thank you for making that happen. I love you, Alia. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, it's time for the Geo Filmfare Award for Best Director. And the nominees are... Abhishek Chaubey for Urta Punjab. Ali Abbas Zafar for Sultan. I just know so much that no one can win you until you don't lose yourself. Karan Johar for Ae Dil Hai Mushkil. Someone has never killed you suddenly. But that's the love. Nitesh Tiwari for Dangal. Ram Madhvani for Neerja. Hey, Lado, dekh teri ad aa rahi hai TV pe. Shakun Batra for Kapoor and Sons. To do the honors, could we please invite on stage the absolutely gorgeous and one of my favorites, Preeti Zinta. And the best director is Nitesh Tiwari for Congratulations. It was an amazing movie. Dangal stands to be the biggest hit of Indian cinema and is also the most acclaimed film of the year. What a rare combination, ladies and gentlemen. Dangal. I don't know where to begin. You know, it's been a journey which is 4 years long. Thank you, Filmfare, for recognizing our effort. Thank you, Amir sir, for being beyond amazing and for being such a wonderful human being. And a big thank you to my wife and especially my kids. Meri zindagi ka ek hissa jis pe mere bachchon ka bahut bada haq tha, unhone khushi khushi Dangal ko diya. Uske liye bahut bahut shukriya. Love you guys. This is what Papa is bringing back home. Thank you so much. Nitesh Tiwari, ladies and gentlemen, director of Dangal. Thank you, Preeti. So, agla jo award hai, wo hai the Geo Filmfare Award for the best actor in a leading role, male. Aamir Khan for Dangal. Amitabh Bachchan for Pink. Usse bolne wali ladki friend ho, girlfriend ho, koi sex worker ho. Ya aapki apni biwi hi kyun? Ranbir Kapoor for Ae Dil Hai Mushkil. Kisi ne kabhi aapko suddenly chaanta mara hai? But us chaante ko ishq kehte hain. Maine jis pehlwan Salman Khan for Sultan. Asli pehlwan ki pehchan akhaade mein nahi. Zindagi mein hua hai. Shah Rukh Khan for Fan. Jis maqam pe bhi apne fans ki wajah se. Shahid Kapoor for Urta Punjab. Sushant Singh Rajput for MS Dhoni. The Untold Story. And Rose Gate number 3 ke samne khade hokar fine ikattha karte hain. Ta tumhara game improve ho raha hai sir. Ladies and gentlemen, to do the honors, may I please invite on stage the most stunning, the most gorgeous, the legend herself, Rekha Ji. Namaskar. Good evening, ladies and gentlemen. I know who the winner is, but I have something to say in the beginning. This boy I've seen since he is 5 years old.
He grew up in front of me. He went from strength to strength. The man who doesn't need to be here because he's omnipresent by his craft, his passion for his craft. He is the real khushbu of our country. Mr. Aamir Khan for Dangal. Congratulations, Aamir. Well, well deserved. Okay, Aamir, as you know, is very smart. Like I said, he's omnipresent. He doesn't need to be there physically. But it is my honor, my privilege, and my joy to take this award to him. God bless you, Aamir, and all the people who are a part of this. God bless you guys. So, agla jo award hai, wo hai the Jio Filmfare Award for the best film, and the nominees are Dangal, Kapoor and Sons. I love you. Just come back. I've missed you. Neerja. Pink. फिर आपने ऐसा क्यों किया? जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ था मुझे. अगर दोबारा करेगा ना सर, तो दोबारा खींच के बोतल मारूंगी इसके सिर पे मैं. सुल्तान. Down and out. मरने पहलवानी जरूर छोड़ी है, पर लड़ना नहीं भूला. उड़ता पंजाब. कुत्ता. अंदर द कुत्ता. घर पे कोई बोले कि जो निकल गया ना, वो तेरी फ्लाइट का सबसे अच्छा टाइम था. And to do the honors. Could I please invite on stage Mr. N.P. Singh, CEO Sony Pictures Network Private Limited. Good evening, everyone. Best film for 62nd Jio Filmfare Awards 2017 goes to Dangal. Maa ke pet se mar ghat tak hai teri kahani pat pat pyare Dangal, Dangal. सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 नितेश the last word must be yours. This is your film and your team's exceptional work. What do you have to say? It's quite an awesome feeling. Thank you Mahavir Singh ji. Thank you Geeta. Thank you, Babita, and thank you the entire Phogat family for inspiring all of us to make Dangal. A big thank you to the people of India for loving and owning Dangal. Daughters are special. Let's keep them that way. Thank you so much. Thank you, and once again, Dangal, the film of 2016. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please welcome Shah Rukh Khan. It's time for our next performance, and let me warn you, ladies and gentlemen, अगले कुछ मिनट आप सभी अपने होश खो बैठेंगे क्योंकि एक दूसरे की आगोश में आ रहे हैं दो बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट बहुत ही ब्यूटिफुल सेक्सी हैंडसम गुड लुकिंग एक्टर एंड एक्ट्रेस प्लीज गिव इट अप for Jacqueline Fernandez or Sushant Singh Rajput for the next performance. Pura desh digital ho raha hai. Itni achi achi short films ban rahi hain. Main to jab bhi free hota hoon, online kitni short films dekhta hoon. And I am so proud to announce that Jio and Filmfare collaborated and acknowledged the importance of short films and came to you with special digital awards tonight. जनरली मुझे ऐसा लगता है जो शॉर्ट फिल्म कैटेगरी जी और फिल्म फेयर ने शुरू की है स्थापित की है ये बहुत ही अहम और ज़रूरी कैटेगरी है बिकॉज ये बहुत सारे नए लड़के लड़कियों को दुनिया भर में हर जगह पे हर कोने में जिनके पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं फिल्म बनाने की जो होती हैं सिर्फ एक टेलीफोन के साथ भी डिजिटली आप फिल्में बना सकते हैं एंड शो केस दे वर्क एंड टू ऑनर द पीपल हु हैव डन दैट ऑलरेडी लेडीज एंड जेंटलमैन द नेक्स्ट इज द जियो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट Film fiction category. And to do the honors, could I please invite on stage the exceptional talent powerhouse, Vidya Balan. Hi,
the Geo Filmfare Awards for the best short film in fiction, which goes to a woman, Jyoti Kapoor Das for Chutney. Agla award hai for the Geo Filmfare Award for best film non-fiction. And the award goes to Mati Tali Kusti. Thank you, Vidya. Thank you, my dear. Ragla award hai, the Geo Filmfare Award for Best Actor Female in a Short Film. And to do the honors, could I please call on stage the simply stunning Shilpa Shetty. 62nd Geo Filmfare Award 2017 Best Actor Female goes to Tiska Chopra. Let's hear it for Tiska, ladies and gentlemen, for Chutney. Next up, ladies and gentlemen, is the Geo Filmfare Award for Best Actor Male Short Film. And the award goes to one of my favorites, Super Se Upar, Manoj Bajpai. Thank you, Geo Filmfare, for making a space for short films. Because Geo being there with Filmfare says that the digital is the future of the world. Thank you. Thank you, Filmfare. Thanks a lot. Thank you, Manoj, for being the actor you are. God bless you, man. Thank you so much. Thank you, Let's hear it for Manoj, everyone. Congratulations, Manoj, and thank you, and Shilpa. Thank you, Shilpa. You look gorgeous tonight. Next, you have Geo Filmfare Award, the popular choice for best film, short film category. And we will present it to you. The beautiful Pariniti Chopra. Hello. Hello, Pariniti. Hi, everyone. Good evening. The 62nd Geo Filmfare Awards 2017 Short Film Award for the People's Choice Award for Best Film goes to Kamkha. Welcome back to 62nd Geo Filmfare Awards, co-powered by Vivo Camera and Music and Reliance Digital. Karan, excuse me. Where are you? Right here. Where? Oh, hi Sophie, how are you? I'm good. Yeah, kya kar rahe ho? Main kya kar raha hu? Kya matlab? Live show chal raha hai and as usual, you're surgically attached to your phone. Aap phone pe lage ho. Zara, hamare show ke baare mein bhi to aap socho. Show ke baare mein to soch raha hu main, Sophia. I'm keeping it right in the backdrop. Filmfare Awards, apna left profile wala selfie le raha hu. Chal beta, selfie le le re. Your favorite? Yes, totally. Always. And the pout in place. Yeah, because you have a problem with taking a selfie. I'm happy. I've been trying to upload mine for the longest time and it's not happening. Because you have Geo-Fi, right? If you had Geo-Fi, you would be connected to any device. In fact, if you don't connect anyone, make sure you're on Geo-Fi. That's what you do. Are you going to do that the next time round? I'm doing that already. Thank for you. For best connectivity and easy upload, Geo-Fi. High five to you too and thank you, darling. And to you. You're doing great tonight. Thank you. We would like to thank our sponsors, title sponsor Geo, associate sponsors Reliance Digital, Gores, Carnival Cinemas, Shiftara Properties Private Limited, powered by Life Smartphone Plus, Sanjay Godavat Group, telecast partner Sony Entertainment Television, exclusive digital streaming partner Sony Live, hairstyling partner Schwarzkopf, metal partner Lumino Uno, online jewelry partner Nakshatra World, Skill Partner, Skill Ministry. Food Partner, Movable Feast. Hydration Partner, Blue Pine Water. Radio Partner, Radio Mirchi. Trophy Partner, The Award Gallery. Outdoor Partner, Bright Outdoor Media Private Limited. Cinema Advertising Partner, Khushi Advertising. English News Channel Partner, Times Now. Hindi News Channel Partner, India TV. Music Partner, T-Series. Invitation Partner, Entertainment Design Company. Ground Partner, Dome Entertainment Private Limited. X choreographed by Geeta Kapoor and Vinny Johnny.
Salman Khan's act choreographed by Mudassar Khan. And today's script is written by AIB, Mr. Ankalp, Vankush, Preeti Samoy, Sajid and Farad. Technical direction and stage management on Cube Productions. Event consultants, Oxygen Entertainment. Event managed and scripted by Cineyug International Entertainment Private Limited. बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना चाहने के लिए हमें इतना प्यार करने के लिए ये सब आपका प्यार है जो फिल्म फेयर को यहाँ तक लेके आया है इस मुकाम तक लेके आया है थैंक यू सो मच गुड नाइट शुभ रात्रि हैव अ प्लेजेंट इवनिंग थैंक यू